बब्बर शेर राहुल ने योगी को बताया ठग। लखनऊ छोड़ दिल्ली भाग चले आए योगी, फिर जो हुआ। उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान एक बार फिर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से लौटे राहुल गांधी के सीएम योगी पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने नाराजगी जताई है। एक निजी चैनल से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने राहुल गांधी से बयान वापस लेने की अपील की है। केशव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह निंदनीय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने भाजपा पर उत्तर प्रदेश में अधर्म में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वे धार्मिक नेता नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने यह बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संपन्न भारत जोड़ो यात्रा पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने आरोप लगाया कि आदित्यनाथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वह गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। बैठक में शामिल एक शख्स ने गांधी के हवाले से कहा, मुझे खेद है वह आदित्यनाथ धार्मिक नेता नहीं है, वह एक आम ठग है कि क्या उत्तर प्रदेश में धर्म की आदी से कैसे निपटेगी। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह धर्म के बारे में नहीं है क्योंकि वह अपने धर्म हिंदू धर्म को समझते हैं और उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया है। भाजपा की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा जो कर रही है वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।